हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं एक स्क्रीटरी ऑर्गन की, जो कि कई बार मैथ्स द कॉलम में पूछा भी जाता है। तो हम यहां पर डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सवाल ये है कि एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या काम करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो आइए किस फाइलम के अंदर कौन से पाए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा फाइलम, यहाँ आएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आइए फाइलम लिखते हैं। सबसे पहले अगर बोला जाए तो आएगा अपने पास क्या, कोरिफेरा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आएगा सिलेंट्रेटा, बोलते जाइए फटाफट, यहाँ पर सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आएगा टीनोफोरा। ये कभी भी आपको मैथ्स का कॉलम वाले सवाल कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आएगा प्लेटी हेलमेंथीस। प्लेटियल मेथीस को आप क्या बोल सकते हैं, फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं। ओके, फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं, बड़ा ही कॉमन नाम है। इसके अलावा बोला जाए इसी के अंदर एक और आते हैं, रोटीफर्स, या फिर यहाँ पर सम एनेलिड्स, यहाँ पर सम एनेलिड्स, और साथ में सेफेलो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा। तो ये सारे के सारे जो हैं, इनके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एंड पांचवे नंबर पे आते हैं हम लोग एसके हेलमेंथीस, और एसके हेलमेंथीस को यहाँ पर आप राउंड वर्म्स बोल सकते हैं, बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे एस्केरिस ले सकते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो प्लेनेरिया लिया जा सकता है। यहाँ पर राउंड वर्म्स एस्केरिस, आइए एस्के हेलमेंथीस के बाद आता है एनेलिडा, यहां पर आएगा एनेलिडा। सातवां आएगा आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हैं, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्पाइडर स्कॉर्पियन के अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पर क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन्स के अंदर क्या है, क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन के अंदर क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहां पर इंसेक्टा, इंसेक्टा या इंसेक्ट्स के अंदर क्या है। तो हमने कहा आर्थ्रोपोडा हो गया। आठवें नंबर पे हम बात कर रहे हैं मोलस्का की, यहां पर आएगा मोलस्का। और नेक्स्ट आता है नौवा, यहां पर इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए एक एक करके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि एक एक फाइलम का आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्लियर कट पता होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर पोरिफेरा की, ओके, इसके अलावा पोरिफेरा, सिलिट्रेटा, टीनोफोरा, यहां तक की अगर बात करें बेटा तो ये तीन के तीनों जो है वो करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से। किससे, जनरल बॉडी सरफेस, GBS, मतलब इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइज नहीं होता है क्योंकि ये प्रिमिटिव होते हैं। आइए, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है प्लेटी हेलमेंथीस, फ्लैट वर्म्स, जैसे एग्जांपल प्लेनेरिया है, और साथ में इसी में रोटीफर्स या फिर सम एनेलिड्स और सेफेलोकॉर्डेटा। नाम में कॉर्डेटा है तो ऑब्वियसली कॉर्डेटा का ही मेंबर होगा। तो यहां पर प्लेटी हेलमेंथीस, फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया एग्जांपल है, एक हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, दूसरा है रोटीफर्स, तीसरा है सम एनेलिड्स, प्रिमिटिव एनेलिड्स, और एक है सेफेलोकॉर्डेटा। तो इन सब के अंदर ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रहे हैं, इन सब के अंदर जो पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो पाया जाता है प्रोटो नेफ्रीडिया, या फिर बोलते हैं सोलेनोसाइट्स, बहुत अच्छे से याद रखेगा, कई बार मैथ्स का कॉलम में आता है, या फिर बोलते हैं फ्लेम सेल। और पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेटी हेलमेंथीस में ही नजर आया था। आइए एसके हेलमेंथीस के बारे में बात किया जाए। एसके हेलमेंथीस में जो है वो पाई जाती है रेनेट सेल, क्या पाई जाएंगी, रेनेट सेल, याद रखिए रेनेट सेल्स, ओके। नेक्स्ट आता है यहां एनेलिडा, और एनेलिडा के अंदर बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन, यहां पे आएगा नेफ्रीडिया, क्या बोलेंगे, नेफ्रीडिया, ओके।
नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया। आप देख सकते हैं यहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब प्रिमिटिव और यहां पर आके नेफ्रीडिया, ओके। जबकि ये मोस्ट ऑफ दी एनेलिड्स में है, सम एनेलिड्स के अंदर क्या पाया जाएगा, कुछ में ये प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर देखा जाए तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉक्सल ग्लैंड। क्या पाया जाएगा, कॉक्सल ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉक्सल बोन होती है बेटा अपने ह्यूमन के अंदर, जो पेल्विक गर्डल में दो इनोमिनेट बोन्स को कॉक्सल बोन कहते हैं, जो इलियम एसियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बनी होती है। तो कॉक्सल ग्लैंड इसमें पाई जाती है, कॉक्सल बोन वो होती है, कॉक्सल बोन का नंबर दो होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्पाइडर और स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड, और यहाँ पर ये जो क्रस्टेशियंस हैं इनमें ग्रीन या फिर बोलिए एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन या फिर एंटीनल ग्लैंड पाया जाता है। और यहाँ पर इंसेक्टा में सेंटीपीड मेलीपीड ये सब आएंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे मेलपीजियन टिब्यूल्स। क्या बोलेंगे, मेलपीजियन टिब्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बहुत क्लियर कट आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मोलस्का के अंदर। और मोलस्का में अगर बोला जाए तो एक तो इसका नाम होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का बेटा कैवर्स ऑर्गन, क्या बोलेंगे कैवर्स ऑर्गन, या फिर बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस, क्या बोलेंगे ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या फिर एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है फीडर लाइक गिल्स, फीडर लाइक गिल्स इसमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इकाइनोडर्मेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसमें होता है जनरल बॉडी सरफेस, किससे जनरल बॉडी सरफेस से ही ये हमेशा एक्सक्रीशन करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, क्या बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करें, अगर हेमिकॉर्डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, बहुत बार पूछा गया है ये प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ओके। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा जो कि 10वें नंबर पे है, ओके। 11 नंबर पे आता है बेटा, एक तो है यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा, दोनों प्रोटोकॉर्डेट हैं। तो यहां पर अगर पूछा जाए तो एक आएगा यूरोकॉर्डेटा और एक आएगा सिफेलोकॉर्डेटा। तो हमने कहा यहां पर सबसे पहले तो आया क्या प्रोटोकॉर्डेटा, और प्रोटोकॉर्डेटा में आया यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा के बाद दूसरा आया सिफेलोकॉर्डेटा। और सेफेलोकॉर्डेटा आते ही आपको तुरंत ध्यान आएगा फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स, मैंने पहले ही बता दिया है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा के अंदर पाई जाती है न्यूरल या पाइलोरिक ग्लैंड। क्या पाई जाएगी, न्यूरल या फिर पाइलोरिक ग्लैंड। जबकि मैं सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल न लिख के मैं डायरेक्टली यहां पर बोल दूंगा कि ये जो पाए जाते हैं ये सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर पाए जाते हैं। और ये कौन है, यहां आप देख भी सकते हैं सेफेलोकॉर्डेटा पहले से ही मौजूद है। तो सेफेलोकॉर्डेटा तो प्रोटोनेफ्रीडिया सोलेनोसाइट्स ऑफ फ्लेम से, एक सवाल आता है एक ऐसा कॉर्डेट बताइए जिसके अंदर सोलेनोसाइट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आंसर हमेशा क्या जाएगा सेफेलोकॉर्डेटा, जबकि बच्चा क्या लगाता है प्लेनेरिया, जबकि वो ये भूल गया उसने सवाल में पूछा है कि चार ऑप्शन में दिए गए एक ऐसे कॉर्डेट का नाम बताइए जिसमें ये हो, कौन प्रोटोनेफ्रीडिया सोलेनोसाइट। तो आंसर हमेशा क्या जाएगा सेफेलोकॉर्डेटा। ऑल कब जाएगा, जब वो पूछे कि इन चारों में से मतलब वन सेफेलोकॉर्डेटा सम एनेलिड रोटिफर और प्लेटेलमेंटी इनमें किसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ऑल चला जाएगा। आइए यहां पर अगर बात करें सेफेलोकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट आइए अगला जो आ रहा है वो है अपने पास 12 नंबर पे प्रोटोकॉर्डेटा के बाद फिशेस। क्या आएगा फिशेस, ओके। यहां पर फिशेस की बात करें तो हम पिसीज के बारे में बोल सकते हैं बेटा, ओके पिसीज। और पिसीज के बाद अगला जो आएगा वो आएगा क्या एम्फीबिया, पिसीज के बाद क्या आएगा एम्फीबिया, फिर आएगा रेप्टीलिया, फिर आएगा रेप्टीलिया, फिर आएगा एप्स और फिर आएगा मैमेलिया। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कभी आपसे गलती नहीं हो सकती है,
यहाँ पे 13, 14, 15 और 16 ये पूरा का पूरा फाइलम कवर है। इससे क्या होगा, एनिमल डायवर्सिटी का पॉइंट भी कवर हो रहा है और एक्सक्रीशन का भी पॉइंट। और इन सब के अंदर अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा, किडनी होती है। हमेशा कौन होगा, किडनी होती है। हाँ, प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक ये होती हैं। इसके बारे में डिटेलिंग बात की बात है, लेकिन आप केवल इतना ध्यान रखिए एनसीईआरटी बेस पे कि किडनी जो है वो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एक्स और मेमेलिया के अंदर हमेशा क्या होंगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। अब सवाल आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एज द कॉलम पूछ सकता है, भरवा सकता है कि कौन किस में होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, एक ऐसा सवाल जैसे मैं पूछूं व्हेल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, लंग्स है, क्योंकि व्हेल इज अ मैमल। डॉल्फिन के अंदर क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या है, हमेशा लंग्स है, क्योंकि डॉल्फिन इज अ मैमल। तो मैमल जब भी होगा तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। तो याद रखिएगा, व्हेल और डॉल्फिन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी नहीं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा पहले, इसके पहले, तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है व्हेल और डॉल्फिन मैमल होने के नाते हमेशा क्या रखेंगी, लंग्स रखती हैं। तो अब आप देखें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैंने आपको पूरा फाइलम वाइज कंप्लीट किया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने आपको फाइलम वाइज कंप्लीट किया। कभी भी आ जाए कौन-कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ग्रुप सही है, किस ग्रुप में क्या होता है, तो ये सवाल आपके कभी भी मैथ्स कॉलम के गलत नहीं होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इससे सवाल आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।